तो वीडियो की शुरुआत होती है जहाँ पता चलता है कि अदिति जो कि एक MBA की स्टूडेंट है जिन्हें एक एजुकेशन लोन लेना है, जो कि पी उनके पास अपने पूरा का पूरा दम लगा कर रखी हुई है। मामू ID समझ गए ना, अच्छा उन्हें लोन देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि इस बैंक में भी उन्हें कोई तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी मैनेजर जितने भी है सभी के सभी धांधली वाले हैं। यहाँ तक कि मिश्रा जी यहाँ के जो मैनेजर है और पीयून तीनों के तीनों साजिश करते रहते हैं कि कैसे इनको लोन नहीं दिया जाए। एजुकेशन लोन सर, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देखिए। मैं एक मिनट लाते हर भिजवा के मानेगा मुझे हैं? सॉरी मैडम, नहीं हो पाएगा। सर आपने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे? हाँ, नहीं हो पाएगा। क्यों सर? क्यों का कोई जवाब नहीं होता। आप किसी और बैंक में ट्राई। मेरी आज इनसे सुबह ही बात। अच्छा, इनसे बात हुई थी? हाँ। मेरे से तो बात नहीं हुई थी ना, है ना? आप किसी और बैंक में ट्राई। मुझे 2 मिनट तो दीजिए। सॉरी मैम, मैं नहीं कर पाऊंगा। सॉरी सर, प्लीज। थैंक यू। लेकिन जो पीउन रहता है वो निकलता है हराम ही यहाँ पे 100-200 लेकर, मतलब 500 लेकर आराम से अदिति जी का काम करने लगता है। भाई बहुत क्यूट है यार, जज्बातों से नहीं हिलना है। हाँ, तो उनका जो पूरा का पूरा लोन का काम करवाने के लिए 500 लेता है और जाकर काम करने लगता है मिश्रा जी के पास, जो कि मिश्रा जी वो भी काम नहीं करते हैं, लेकिन लड़के के नाम पर वो भी हो जाते हैं। बताओ लड़के के नाम पर क्या क्या हो रहा है। छोड़िए, अब क्या बोले, क्या नहीं बोले, क्या अभी तुम कैसे पढ़ पाएगी? नहीं नहीं, उसके बाद क्या बोले? लड़की लड़की आई है क्या? हाँ, लेकिन अब लड़का है लड़की है क्या फर्क पड़ता है, जब NPA इतना ज्यादा है कहाँ से। अरे नहीं नहीं, प्रयास प्रयास किया जाएगा ना, कोशिश करते हैं, कुछ होगा, जुगाड़ उगाड़ होगा। NPA ज्यादा है। अरे मैनेज कर देंगे। तुम एक काम करो, भेजो लड़की को, भेजो, देखते हैं कुछ। हाँ देखते हैं, ट्राई करते हैं कुछ। थैंक यू मिश्रा। यहाँ पे मिश्रा जी के पैरवी करने के बाद यहाँ पे मैनेजर जो है मान तो जाते हैं, लेकिन वो भी घूस के लिए करते हैं कि कुछ ना कुछ कार्य किया जाए। तभी पता चलता है कि उन्हें सुजीत जी ने कहते अदिति जी को यहाँ पे भेजा है। सुजीत जी भी को भी एजुकेशन लोन मिल गया। हम भी जा रहे हैं यार, MBA का सीट लेंगे कम से कम। मामू एक MBA वाला बुक लेके आएगा, मुझे भी अब MBA करना है। तो यहाँ पे उसके साथ काम होते रहता है। वैसे रेट बढ़ गया है, लेकिन आपका इतना में कर देंगे, सोच के बताइएगा। मैनेजर रहता है लालची एज सुरसा, हम दम भर उसका खोलते जा रहा है। वो 50,000 से अब कहता है कि नहीं, अब हमें 1,00,000 रुपये चाहिए, तभी हम आपका लोन पास करेंगे। अब उस 1,00,000 में सब चीज वो चीज जुगाड़ तो कर देती हैं, लेकिन वहाँ का जो एरिया मैनेजर है 10,000 और बढ़ा देता है। अब वो फिर से 10,000 बढ़ाने के लिए फिर से जाते हैं कि कम से कम 10,000 और बढ़ा दीजिए। सर पहले आपने 50 बोला, फिर आपने 1 बोला, अब आप 10 और बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं। अब 10,000 रुपये और बढ़ने पे अदिति जो अदिति जो थी वो ज़्यादा ही भड़क जाती हैं। कहती है कि ना ना बहुत हो गया, अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब हम पैसे देना ही नहीं है, अब हम कुछ करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये एक तरीक़े से सब तरफ से फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। बताओ यार, इतनी सुंदर सॉरी भटकना नहीं है हमको। हाँ, तो यहाँ पे वो चीज़ काटते रहती हैं काम के, यहाँ पर अब उनको लोन लेना ही नहीं है। अब वो जा रही थी घर, लेकिन मिश्रा जी जो थे वो रहते रामदिल, जो मिश्रा जी हैं वो ज़्यादा ही एकदम खुश हो जाते हैं लड़की के ऊपर। वो जाकर क्या करते हैं कि प्रैंक कॉल कर देते हैं अपने मैनेजर पे और मस्त धमका देते हैं गुंडागर्दी के स्टाइल में, मतलब बाहुबली के स्टाइल में। और मैनेजर जो है बेचारा डर के मारे, सही बात है आजकल वही चीज़ हो ही गया, जो आता है वो डरा के चल जाता है, फ़ोन कॉल से डरा देते हैं, जिसके कारण अब अदिति जी का लोन अप्रूव्ड हो जाता है। अब लोन अप्रूव होने के बाद मस्त हो जाता है कि हाँ अदिति आती है, खुश हो जाती है कि भाई लोन अप्रूव हो गया। लेकिन पता चलता है कि हाँ तो मिश्रा जी उनकी हेल्प किए थे, चलो अच्छा है। मामू इसका मतलब हम लोग का भी लोन अप्रूव हो सकता है। वो W सिंह को बुलाओ भाई, अभी अभी हम लोग का लोन अप्रूव होगा। फिर क्या, अंत में थोड़ा सा लेक्चर झाड़ा जाता है कि हाँ भैया देखो कैसे कैसे मेहनती लोग भी सरकारी कार्यालयों में काम करते हैं और वहाँ पे कोई उनकी बात सुनता नहीं है, और अंत में ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ भाई कर दो एक सब्सक्राइब और लाइक, क्या आ जाएगा तुम। सिस्टम को बदलने की छोटी सी कोशिश की, वो जनरल नॉलेज की किताब तो पढ़ी होंगे ना आप, तो GK की किताब में सरकारी कार्यालयों में हुए एक से बढ़ के एक घोटालों का जिक्र आपको ये मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ मिलेगा।
लेकिन क्या कभी आपने इस 10x10 के गुफा जैसे केबिन में पसीने से तर बतर सालों साल मेहनत करते हुए इन ईमानदार लोगों का नाम सुना है, उनकी कहानी सुनी है? इनका स्ट्रगल तो सामने ही नहीं आ पाता। तो आपकी नहीं, सिस्टम की मदद की है। थैंक यू सो मच। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि आज भी कोई है सरकारी कार्यालयों में जो कस्टमर्स की केयर कर रहा है। लेट मी नो इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू। जब एनीथिंग करना है तो खुशी से 150 हमको ही दे दीजिए। थैंक यू।